मंडी लोकसभा सीट पर दो महिलाओं का प्रत्याशी होना महिलाओं के वोट पर सीधा बंटवारा दिखता है। जहां एक ओर प्रतिभा सिंह का प्रचार राजवंश की परंपरा के अनुसार राजमाता कहकर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर अंबिका श्याम एक साधारण परिवार से निकली समाज सेविका है जो बड़े सामाजिक बदलाव की साक्षी रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मंडी किसे अपना मत देकर दिल्ली भेजती है। पार्टी के राज्य कन्वीनर डीएन चौहान ने कहा कि पार्टी हिमाचल में पहला चुनाव लड़ रही है। मंडी उपचुनाव में पार्टी अब तक चुने प्रतिनिधियों की ओर अनदेखी के मुद्दे पर लोगों के बीच जाएगी। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने मंडी से महिला प्रत्याशी समाज सेविका कॉरपोरेट अधिवक्ता अंबिका श्याम का नाम केंद्रीय वर्किंग कमेटी की अनुशंसा के लिए भेजा, जिसे स्वीकार करते हुए इनको पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के राज्य कन्वीनर डीएन चौहान ने कहा कि पार्टी हिमाचल में पहला चुनाव लड़ रही है। मंडी उपचुनाव में पार्टी अब तक चुने प्रतिनिधियों की ओर से अनदेखी के मुद्दे पर लोगों के बीच जाएगी। 8 अक्टूबर को पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी नॉमिनेशन भरेंगे। पार्टी ने राज्य कोर वर्किंग कमेटी के लिए डॉक्टर रोशन लाल चौहान को जिला मंडी से बतौर सदस्य नॉमिनेट किया है। मंडी सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणा होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह को प्रत्याशी बनाया है जो मुद्दे पर कम और वीरभद्र सिंह के नाम पर सहानुभूति वोट मांग रहे हैं। उधर बीजेपी ने अपना नया उम्मीदवार खुशाल सिंह को पार्टी का चेहरा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में महंगाई और जनता की अनदेखी के कारण रोष है, तो वहीं प्रतिभा सिंह भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इधर लोक नीति पार्टी की उम्मीदवार को भी कम समय में आम लोगों तक पहुंचने की चुनौती रहेगी। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने मंडी चुनाव में अपना प्रत्याशी तय कर लिया है जो कि जनता के वोट से चयन हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रत्याशी पार्टी ने नहीं बल्कि जनता ने वोट कर तय किए हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र और रामपुर से संबंधित जानी मानी समाज सेविका अंबिका श्याम को लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग के जरिए चुना है, जिसे पार्टी की राज्य और राष्ट्रीय समिति ने स्वीकृति प्रदान की है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीय लोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।